आज मैं फिर आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको रवा ब्रेड बनाना सिखाने वाली हूँ। रवा ब्रेड बनाने के लिए हमें 1.5 कप रवा चाहिए। मैंने एक शिमला मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने धनिया पत्ता लिया है, मैंने आधा कप के हिसाब से मैंने इसे धनिया पत्ता लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और मैंने नमक स्वाद अनुसार लेंगे और मैंने 1 कप से थोड़ा कम मैंने गाजर को कस करके लिया है और मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने 1 कप दही लिया है, मैंने हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है और मैंने मिक्स हर्ब्स लिया है। अगर आपके पास ऑर्गेनो है तो आप ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें ब्रेड लगेगा। पहले हम रवा और दही को आपस में मिक्स कर लेंगे। इसको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने दही के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें हल्का पानी डालेंगे। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मैंने 1 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है। अब हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे 10 मिनट के लिए अलग छोड़ देते हैं। जब तक वो 10 मिनट के लिए हो रहा है तब तक हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। हम एक ब्रेड लेंगे। अब हम इसे गोल शेप में काटना है। मेरा ब्रेड छोटा है इसलिए मैंने छोटा शेप के लिए मैंने ढक्कन का यूज़ किया है, छोटे ढक्कन का। आप इस तरीके से आपको, अगर आपका ब्रेड बड़े साइज़ का है तो आप बड़े ढक्कन या फिर शेपर से कट कर सकते हैं। हमें इस प्रकार का गोल शेप का ब्रेड चाहिए। इस तरीके का हमें गोल शेप का ब्रेड चाहिए। इस तरीके से आपको सारे ब्रेड के शेप को काट लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड को गोल शेप में काट लिया। इसी प्रकार से मैंने सारे ब्रेड को काट लिया है। अगर आपको जितना ब्रेड आपकी मर्जी पे है, आप कितने ब्रेड का बनाना चाहते हैं। अब हम 10 मिनट हो गया है, अब हम इसमें ये मैंने फाइनली चॉप तो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च मैंने इसमें डाला है। ये बहुत ईजी रेसिपी है, आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ये सब जितने सामान हैं सब घर में इजली अवेलेबल रहते हैं। आप इसके ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी सब्जियां इसमें मिला सकते हैं। और अब इसमें मैंने गाजर मिला दिया, मैंने इसमें प्याज मिला दिया। सब मैंने फाइनली चॉप किया है, कुछ बड़े साइज़ का इसमें नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें स्प्राउट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मूंग वगैरह को भी डाल सकते हैं। ये मैंने हरी मिर्च मिला दी। आपको कितना तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें डालिए। मैंने इसमें थोड़ा मिक्स हर्ब्स इसे मैंने डाल दिया। आप चाहे तो ऑर्गेनो यूज़ कीजिए। लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने मिक्स हर्ब्स डाला है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक हम स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं इसमें तो और आप हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स का आप यूज़ कर सकते हैं और आप नमक भी अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब आप इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ा और पानी मिलाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, बस हल्का पानी मिलाना है। मैंने 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें थोड़ा पानी मिलाया। अब इसे हम अच्छे से आपस में फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक ब्रेड लेंगे। अब हम इसके ऊपर इसको अच्छे से इस तरीके से हम इसे फैला देंगे। इस प्रकार से ही आपको सारे ब्रेड में इसे फैला देना है। तरीके से आपको इसके ऊपर से फैला देना है। मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। मैंने इसमें, आप देख रहे हैं, मैंने इसमें ऑयल भी डाल लिया है। आपको जितना ऑयल डालना है उस हिसाब से इसमें डालिए।
अब हम पैन को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने इस यहाँ पे ब्रेड के सारे पोर्शन में, ऊपर के पोर्शन में मैंने एक तरफ से अच्छे से लगा दिया है। हमें इसे थोड़ा दबा देना है ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए, ताकि हम इसे पैन में अच्छे से डाल सके। अब मेरा पैन गरम हो गया है। अब हम इस प्रकार से इसे ब्रेड लेंगे और हम इसके उल्टे साइड से हम इसे इस प्रकार से डाल देंगे। और हम इसे दोनों तरफ से हमें इसे लाल करना है। कि मेरा एक ब्रेड एक तरफ से, रवा ब्रेड एक तरफ से लाल हो गया है। मैंने इसे पलट दिया है। मैंने इसे थोड़ा दबा दबा के फिल किया था ऊपर से, ताकि ये अच्छे से ब्रेड के साथ सेट हो जाए। देखिए अच्छे से सेट हो गया, ताकि पलटते समय ये निकला भी नहीं। इसी तरीके से आपको भी करना है। और अब ये हमें बैक साइड से भी ये थोड़ा लाल कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ब्रेड नीचे से भी लाल हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको रवा ब्रेड का रेसिपी पसंद आया है तो आप जब हमारे रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।